गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम अपना हिंदी रीडर यानी मेधा का चैप्टर वन रीड करेंगे, जिसका नाम है अरमान। चैप्टर वन है जिसका शीर्षक क्या है? अरमान। इस कविता के कवि का नाम पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी है। ठीक है, पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी ने जो कविता लिखी है ना, उसमें बताया है कि कवि अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए क्या करना चाहता है। ठीक है, हर बच्चे की इच्छा होती है, हर सभी की चाहत होती है कि मैं बड़ा होकर कुछ ऐसा काम करूं जिससे दुनिया में यानी संसार में एक मरने के बाद भी, संसार में लोग मरने के बाद भी मुझे याद करें। ठीक है, एक ऐसा काम करना चाहता है। इसमें कवि ने बताया है कि वह अपने मातृभूमि के लिए एक ऐसा काम करना चाहता है जिसे मरने के बाद भी लोग उसको याद करें। ठीक है, आइए पढ़ते हैं हम कविता। है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। यानी अरमान माने क्या होता है? अरमान माने इच्छा होती है। ठीक है, अरमान माने इच्छा। यानी कवि कह रहा है कि मेरा शौक यही है और मेरी इच्छा भी यही है कि मैं कुछ करके दिखलाऊं, मैं कुछ ऐसा करके दिखलाऊं जिससे मरने वाली दुनिया में, यहाँ जन्म भी होता है और मृत्यु भी होती है, जो कैसी दुनिया है ये, मरने वाली दुनिया है, तो इस दुनिया में भी मैं अमरों में नाम, अमरों यानी जो कभी ना मरे, अमर माने क्या होता है? जो कभी नहीं मरता, जो कभी नहीं मरता, इस मरने वाली दुनिया में भी मैं अमरों में नाम लिखाऊं। जैसे हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद है ना, और महात्मा गांधी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मरने के बाद भी हम लोग याद करते हैं। ठीक है, जिनको आज भी हम याद करते हैं, तो वो कभी हमारे जो कवि हैं वो भी ऐसे ही लोगों में अपना नाम लिखवाना चाह रहे हैं। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि जो लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, ठीक है, गरीब हैं, भिखारी हैं, भीख मांगकर खाते हैं, है ना, जिन पर किसी की छत छाया नहीं है, ठीक है, ऐसे लोगों को भी हम क्या करेंगे, उनको भी हम अपना बनाएंगे, गले लगाएंगे उनको और उनको हर तरह के सुख देंगे। जो लोग अंधेरे घर में हैं, अपनी ही नहीं नज़र में हैं, हम उनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। जो लोग सोचते हैं मैं क्या करूं अंधेरे घर में, यानी जो ये सोचते हैं कि चारों तरफ अंधेरा है, यानी कुछ उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है ना, जो और हम क्या करेंगे, है ना, जो अपनी ही नहीं नज़र में, यानी उनको अपनी जो अपने अंदर जो क्वालिटी है, उनके अंदर जो गुण छुपा हुआ है, वो अपने अंदर के गुण को पहचान नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम उनके मन में, उनके हृदय में क्या करेंगे, परिश्रम, मेहनत, है ना, इसका दीप जला देंगे। यानी उन्हें काम करने को की जिज्ञासा उनके अंदर पैदा करेंगे। ठीक है, जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। ठीक है, जो ऐसे लोग हैं जो निराश हो चुके हैं, यानी जो अपने उम्मीद भी, उम्मीद माने क्या होता है, उम्मीद माने आशा, वो अपनी आशा छोड़ चुके हैं कि हम कुछ कर भी पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे लोगों के दिमागों में, उनके भी मन में हम क्या फिर से उत्साह जगाएंगे, काम करने की ललक पैदा करेंगे। रोको मत, आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं हम, मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। हमें रोको मत, आगे बढ़ने दो। ठीक है, हम क्या हैं, आज़ादी के दीवाने हैं और अपने देश की सेवा में अपना सब कुछ, सर्वस्व माने क्या होता है, सब कुछ, हम अपना सब कुछ न्योछावर कर देंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। हम कैसे वीरों के बच्चे हैं, जो अपने देश के लिए शहीद हो गए, है ना, जो जिन्होंने एक बार ठान ली कि हमें ऐसा करना है,
हमें ये करना है, तो उन्होंने वही किया। हम ऐसे वीरों के बच्चे हैं, ठीक है, तो मरने के बाद हमें उनका भी मान बढ़ाना है। हमें मान माने क्या होती है, मान माने आदर या इज्जत। हम उनकी इज्जत करेंगे, उनका आदर करेंगे और अपना ना और इस दुनिया में अपना नाम भी कमाएंगे, है ना, उनके पद चिन्हों पर चलकर हम अपना नाम भी कमाएंगे, ठीक है। ये हमारा जो चैप्टर है अरमान, इसके आपको शब्दार्थ और 10 कठिन शब्द करने हैं। शब्दार्थ, अरमान माने इच्छा, उम्मीद माने आशा, धुन माने लगन, जग माने संसार, सर्वस्व माने सब कुछ, मान माने आदर या इज्जत, अमर माने जो कभी ना मरे, उद्यम माने परिश्रम या मेहनत।